hey guys, myself Nikhil and I welcome you to my channel Techy Nikhil. So let's roll the intro. तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो एक कॉमन से प्रॉब्लम पे है जो कि बहुत सारे यूज़र्स को आती है जब वो GTA San Andreas खेलते हैं या फिर ओपन करते हैं तो उनका माउस वर्क नहीं करता है जबकि माउस उनका 100% सही होता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, ये ऑन हो रहा है, आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन। अभी देखिए, जैसे मैं अपने माउस के कर्सर को मूव कर रहा हूँ और क्लिक करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। यही एक प्रॉब्लम है जो सबके साथ आ रही होगी क्योंकि ये 32-bit PC वाला गेम है और ये 64-bit पे चल रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एक प्लगइन डाल के। वो प्लगइन की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा हमारा नोटपैड। नोटपैड में मैंने अपना लिंक को सेव करके रखा है। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे सिंपली कॉपी कीजिए। कॉपी करने तो सिंपली आप अपना ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करें एंड गो कर दें इसे। तो आपके पास ये देख सकते हैं सामने ओपन हो रहा है, ये आ चुके हैं हमारे पास। ये रहा फाइल का नाम dinput8.dll, 204 KB की है ये। आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने डाउनलोड इसे कर रखा है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली अपनी डायरेक्टरी खोलता हूँ। ये मैंने GTA San Andreas की डायरेक्टरी खोली है। डायरेक्टरी खोलने के बाद आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये रही फाइल dinput8.dll है सामने। आपके पास ये देखते हैं फाइल का नाम ये भी है। अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप इसे ये भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल आ चुकी है हमारी dinput8.dll। ये फाइल आने के बाद हम यहाँ पर इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं अपने गेम को कि ये जो इशू आ रहा था हमारे को माउस का वो सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए ओपन करते हैं इसे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमारा ये माउस का जो कर्सर है ये काम करना शुरू कर चुका है। जैसे हम माउस से इसे क्लिक करते हैं ये क्लिक भी करेगा। जैसे मैंने क्लिक किया माउस से और फिर मैं न्यू गेम पर जाता हूँ, ये माउस से क्लिक करता हूँ। माउस से जैसे आप देखते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये सही हो चुका है एकदम। तो मैं इसका जो स्टार्टिंग में जो इंट्रो आता है उसे मैं स्किप कर देता हूँ। ये मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं माउस का कर्सर यूज़ करता हूँ, इसे मूव करता हूँ, ये देख सकते हैं अब ये ठीक हो चुका है। ये हमारा मेथड 1 था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेथड 2 पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी समस्या इसे सॉल्व नहीं होती है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम मेथड 2 पर वीडियो बनाएं। अगर आपका इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो हम उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जैसी कोई भी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आए तो आपको पहले पता चल जाए।